वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, दिवस शेष में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए शेविंग सेशन की, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया आर्टिसन सोप जो कि अमेरिका से है। तो जल्दी से सोप के मैं दर्शन करा दूं। सो दिस इज दैट सोप। तो लेबल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। सो दिस सोप इज फ्रॉम हेंड्रिक्स क्लासिक एंड कंपनी। ये एक अमेरिकन आर्टिसन सोप मेकर्स हैं और ये टेनेसी करके जो स्टेट है वहाँ पे नैशविले में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। और काफ़ी अच्छा इन्होंने पिछले कुछ समय में बड़ा अच्छा नाम बनाया है व्हेन इट कम्स टू आर्टिसन शेविंग प्रोडक्ट्स। तो ये जो सोप है इसका नाम है एम्परर ऊद। तो जल्दी से मैं इसको खोल के पहले इसके दर्शन करा दूं। सो दिस इज द सोप एंड लेट मी स्मेल इट। एंड स्मेल इज जस्ट ऑसम डिवाइन। खालिस ऊद की स्मेल इस सोप में से आ रही है। तो हेंड्रिक्स क्लासिक एंड कंपनी जो है, इसके फाउंडर जो है वो पीट हेंड्रिक्स हैं और इन्होंने भी रन ऑफ द मिल शेविंग प्रोडक्ट से तंग आकर निराश होकर अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए और पिछले कुछ समय में इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। जहां तक की बात करते हैं हम शेविंग सोप्स की, स्प्लैशेस की या आफ्टर शेव बाम्स की, इवन दे स्टार्टेड विद मेकिंग स्ट्रेट रेजर्स। तो बेस्ट शेविंग कम्युनिटी में इन आर्टिसन सोप मेकर्स का काफ़ी अभी नाम हो गया है। तो आज मैं इसका जो है यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो और साथ में इस सोप के बारे में और ऊद के बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू यूज माय वेपन, वन ऑफ माय फेवरेट्स, पार्कर 94R। काफ़ी समय के बाद रोटेशन में आया है और इसको जो मैं आज लोड करूंगा, इसका पहला इस्तेमाल होगा जिलेट का विल्किंसन स्वॉर्ड, वन ऑफ माय फेवरेट एंड गो टू ब्लेड्स। तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं। सो यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ थ्री पीस रेजर। शॉर्ट हैंडल है इस रेजर का एंड इट इज क्वाइट हेफ्टी और ब्यूटिफुल डार्लिंग। सो पार्कर 94R लोडेड विद जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड ब्लेड एंड टुडे विल बी इट्स फर्स्ट यूज। फॉर लादर मेकिंग आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्ल सिंथेटिक ब्रश। नया ब्रश है विद अ रेजिन हैंडल। अब इस मॉडल का नाम क्या है मैं भूल गया, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। तो इट्स नॉट वेरी हार्ड सोप, क्रोप भी नहीं है मगर सॉफ्ट है। इसमें डेंट पड़ रहे हैं आप देख सकते हो। और जो इंग्रेडिएंट्स में यूज किए गए हैं वो बहुत ही अल्ट्रा हाई लेवल के हैं, आला दर्जे के इंग्रेडिएंट्स हैं। इनफैक्ट इट इज लोडेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ बटर्स, जैसे कि कोको बटर, कोकम बटर, एलेप बटर, फिर स्टेरिक एसिड तो है ही है फॉर लादर मेकिंग। फोम क्रिएशन के लिए अक्सर जो है स्टेरिक एसिड यूज किया जाता है, उसी के साथ ग्लिसरीन। तो उम्मीद करता हूं कि मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट काफी बेहतर होना चाहिए इसका। तो मैंने कोई भी इसको ब्लूम नहीं किया सोप को। सो इस तरह से 25-30 स्वर्ल्स काफी रहेंगे। That's enough. चलिए लेट मी क्रिएट द लादर। अफ्लातून ऑसम। तो दोस्तों ऊद के बारे में आपने अक्सर सुना होगा,
अक्सर ये एक एसेंशियल ऑयल है जिसका इस्तेमाल परफ्यूमरी में किया जाता है। और ऊज जो है इसको $5,000 पर पाउंड ऑयल भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज गोल्ड। जो परफ्यूमरी में जो है ऊद को ऑलमोस्ट गोल्ड के बराबर की श्रेणी में रखा जाता है। इट्स वेरी कॉस्टली। और अगर आपने सुना होगा अगरवुड के बारे में, तो अगरवुड के जो ट्री है अगरवुड, उससे ये प्राप्त होता है, मगर हर अगरवुड से नहीं होता। अगरवुड को एक फंगस पहले इन्फेक्ट करती है, उस फंगस के इन्फेक्शन से जो रिएक्शन होते हैं उससे एक रेजिन सीक्रेट होता है, ओलियो रेजिन। और वो ओलियो रेजिन जो है ये ऊद कहलाता है। और बहुत ही कॉस्टली ऑयल होता है ये। और दुनिया के जाने माने परफ्यूमर्स जो हैं ऊद में कुछ अलग अलग तरह के और एसेंशियल ऑयल्स का कॉन्कोशन बना के उसको मार्केट करते हैं प्रोडक्ट को। और अपने यहाँ तो पिंक वुल्फ का नाम आपने सुना होगा, उनका ऊद एंड सैंडलवुड बहुत ही प्यारी खुशबू आती है उनके सोप से भी। तो जब वो लॉन्च हुआ था तब मेरे को पता नहीं था ऊद होता क्या है, मगर धीरे धीरे जब से परफ्यूम्स के बारे में, सोप्स के बारे में, इन सब चीज़ों का पढ़ना शुरू किया तो पता लगा। तो अगरवुड से प्राप्त होता है ये अगरवुड, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, पापुआ न्यू गिनी के जंगल से प्रोक्योर की जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि 10 पेड़ों में से केवल एक को ये इन्फेक्शन लगता है फंगस का, और इसके रिएक्शन से ये एक ओलियो रेजिन सीक्रेट होता है जिससे ये परफ्यूम और आईशु से एसेंशियल ऑयल एक्सट्रेट किया जाता है। तो इट्स वेरी कॉस्टली, इंटरनेशनल परफ्यूमरी मार्केट में बहुत महंगा ये ऑयल है। तो खालिस शुद्ध ऊद की स्मेल मेरे को इस समय आ रही है। अब ये जो सोप है मैंने प्रोक्योर किया अमित कलामी जी से। अमित कलामी जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, इंडियन बेस्ट शेविंग कम्युनिटी की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ glowshines.com। तो उनके बारे में मैं लिंक में उनके वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। तो इन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ विदेशी आर्टिजन सोप मेकर्स के साथ कॉन्टैक्ट किया, इससे पहले एरिया नेवंस के साथ किया, और हाल ही में ये हेंड्रिक्स क्लासिक एंड कंपनी के कुछ सोप्स ये लेके आए। तो इनका फोन आया एक दिन मेरे पास कि सर ये आ गए हैं, आप क्या क्या विचार है। और मैं सही बताऊँ, पिछले 6-7 महीने बाइकिंग में मैंने बहुत खर्चा किया। मैंने कहा सर मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। तो ही सो काइंड हार्टेड एंड जेनरस इन नेचर, उन्होंने कहा नहीं सर मैं आपको इसका स्प्लैश एम्परर रूद का सोप मैं भेज रहा हूँ, आप जस्ट अपने यूजर एक्सपीरियंस शेयर करिए और सोप भी आप रखिएगा। तो मैंने उनको वादा किया, मैंने कहा नहीं आप इसके बारे में अपने रिव्यूज जरूर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मगर सोप और स्प्लैश मैं आपको लौटाऊंगा। तो थैंक यू अमित कलामे जी। चलिए वापस आते हैं। तो इसका जो लादर है इट इज वेरी क्रीमिश, सोपिश टाइप का लादर नहीं है, क्रीमिश लादर है। यार एक बात माननी पड़ेगी, इस तरह के अगर आप प्रसाधन और शेविंग उत्पाद यूज करने लगते हो तो फिर वापस वो ट्यूब वाले जो रन ऑफ द मिल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मजा नहीं आता। कर लो उसमें, टेक्निक सही है तो आप शेविंग भी सही कर पाओगे, मगर ये आपको यार एक अलग लेवल पर जाते हैं, लग्जरी का एहसास करते हैं, आप खुद को पैम्पर कर रहे होते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट शेविंग। पाकर 94R लोडेड विद जिलेट विल्किंसन सोड ब्लेड, फर्स्ट यूज टुडे, फर्स्ट पास, यू ऑलरेडी नो दैट, क्या मैं कहूंगा, विद द ग्रेन। आज मेरा मुखमंडल भी आपको काफी डिफरेंट नजर आ रहा होगा,
वो मेरी जो क्राउनिंग ग्लोरी है, जो मेरे बाल हैं, वो परसों ही मैंने अच्छे से हेयर कट ले लिया। अभी एक लंबी राइड का प्लान आ रहा है तो हेलमेट में काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो मैंने अपने बार्बर भाई को कहा कि आप बहुत छोटे छोटे बाल कर दीजिए मेरे। और घर में घुसते ही मेरी वाइफ ने बहुत तगड़ा कमेंट मारा कि एक दो ऐसी स्ट्रीक और बना लेते तो बिल्कुल हम गजनी लुक्स मान लेते आपके, आमिर खान। मैंने कहा कहाँ यार, वो आमिर खान कहाँ, राजा भोज कहाँ, गंगू तेली। तो आज की दाढ़ी जो है मेरी 4 दिन पुरानी है। वेरी स्मूथ और क्या शानदार लेवल की स्लिकनेस है। खुशबू तो ऑसम है ही है, स्लिकनेस का कोई जवाब नहीं है, बट नेचुरल बिकॉज एज द कंपनी क्लेम्स दे आर यूजिंग लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बटर्स। तो एक चीज मैंने देखी है कि वेट शेविंग कम्युनिटी को लुभाने के लिए आर्टिसन सोप मेकर्स ने अभी जी जान लगा दिया है, इतने टॉप लेवल के इंग्रेडिएंट्स यूज करने लगे हैं और उसमें भी बटर्स तुम पैसे अच्छे दे दो हमको, बाकी जितना जो बटर कहोगे वो खिलाएंगे आपको। और जब मैंने इस जर्नी को शुरुआत की थी तो मेरे को नहीं पता था बटर बटर होता क्या है। अपने नवल भाई बटर एंड बीवैक्स नाम से उन्होंने एक बहुत ही शानदार हाल ही में सोप बनाया, वन ऑफ माई फेवरेट्स, टॉप टियर बेस, बहुत ही टॉप नॉच बेस उस सोप का है और बहुत शानदार लादा क्रिएट करता है। तो जब इस सोप के बारे में मैं नेट पे पढ़ा इनकी वेबसाइट पे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पंजेंट और कॉम्प्लेक्स स्मेल है, मगर मेरे को बिल्कुल भी पंजेंट और स्ट्रॉन्ग जो है कॉम्प्लेक्स स्मेल नहीं लगी, बल्कि इट हैज स्लाइस नोट ऑफ स्नो नोट ऑफ वुडी स्मोकी अरोमा।
समर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट स्पेल है ये, अल्ट्रा स्मूथ। और सही बताऊं तो मैं अतिशयोक्ति नहीं बोलूंगा, इतनी अच्छी स्लिकनेस है कि मैं बिना फोम के ही, बिना लादे के भी अभी मैं इस रेजर को एक हाथ इस तरह से मैं चला सकता हूँ। और मैं चलाऊंगा नहीं, आइडली चला देना चाहिए, लाजवाब। तो दो पास काफी है एज यूजुअल। सो लेट मी वॉश माय फेस, लेट्स सी व्हाट्स द एलम फीडबैक। कोई जलन नहीं, कोई इरिटेशन नहीं। सो स्मूथ शेप, टोटली सेटिस्फाइंग। सो लेट्स कम टू द पोस्ट शेप पार्ट। सो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू यूज बाम्स टुडे, और इसी का ही हेंड्रिक्स क्लासिक एंड कंपनी का एम्परर रूथ का ही स्प्लैश आई एम गोइंग टू यूज। इसमें अल्कोहल है विच इज डीनेचर्ड एंड ऑफ कोर्स एसेंशियल ऑयल। वेरी माइल्ड सेंसेशन, जलन का बिल्कुल भी एहसास नहीं, जैसा वो होता है ना एक एक्सप्लोजन बर्न का, तगड़ा बर्न, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बस प्योर गोल्ड, बहुत ही अच्छी खुशबू और एक पूरी तरह से आध्यात्मिक एहसास। देखो कैसे कैसे लोग हैं, हम शेविंग के साथ आध्यात्म जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का शेविंग सेशन, और जो मेन प्रोडक्ट जो था वो हेंड्रिक्स क्लासिक एंड कंपनी का एम्परर ऊथ शेविंग सोप, बहुत ही लाजवाब सोप है। इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अमित कलाम्बी जी से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जैसे ही प्रोडक्ट आते हैं शेविंग कम्युनिटी में, जो हमारा ग्रुप है उसमें, वो बताते हैं एक दिन के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं उनको लैप कर देते हैं लोग, छीना झपटी करके ले लेते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते भी नहीं हैं। तो थैंक्स अ लॉट अमित कलाम्बे जी अगेन, बहुत अच्छी आप हम वेट शेवर्स की और हमारी जो कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं। और मैं तहे दिल से चाहूँगा कि जो आपकी कंपनी है वो खूब फले फूले। आपसे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, या मैं उसका अगर उल्टा भी बोलूँ तो थिंक लोकल एक्ट ग्लोबल, व्हाटएवर इट इज, जो भी है। बट आपने जो है एक काफ़ी मोटिवेट किया है हम सभी को, कहाँ से आपने शुरुआत की और आपका जो विजन है वो बहुत ही ग्रैंड है। सो थैंक्स अ लॉट अगेन। सो ब्यूटीफुल सोप एज यूजुअल, इसके बारे में कहना ही कुछ नहीं, क्योंकि 94R वन ऑफ माय फेवरेट जो है, पाकर के जितने भी रेजर अब तक यूज़ किए हैं उसमें 91R और 94R मेरे फेवरेट हैं। और पर्ल का ये सिंथेटिक ब्रश जो है, ये मेरे जितने भी अब तक के मेरे पास सिंथेटिक ब्रश रखे हैं देसी, उनमें ये टॉप 5 में तो जरूर आता है, बहुत अच्छा लादा क्रिएट करता है। और अभी भी एक पास के लिए लादा है इसमें बचा है। एंड इस शेप को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट किया है इस जो है आफ्टर शेप स्प्लैश ने। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखिए। चलिए इसी तरह से अपनी शेविंग को एंजॉय करते रहिए, जिंदगी के भरपूर आनंद लीजिए, जो कुछ भी आपको पसंद है अपने पैशन में, अपनी हॉबीज में उसको करते रहिए, और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, और जिंदगी के लुत्फ लेते रहिए। दैट्स इट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।